एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल में स्थित रेठाली गांव पहुंची। इस समय मुनेजवाला को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1750 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक हैं। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में 4 विधवा पेंशन, 70 वृद्धा पेंशन व 5 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 215 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 45 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 5 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 200 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, कब्रिस्तान व शमशान घाट की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 194 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, कन्या इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति रिठाली, ग्राम पंचायत ब्लॉक संभल, हमें सरकार से जो भी धनराशि आज तक उपलब्ध हुई है उसका विकास कार्यों में हमने यूज करा है। और आपने भी स्कूल हमारा देखा, स्कूल में भी और भी आपने कार्य देखे जी। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में एक सरकारी अस्पताल, पानी की टंकी जी, इनकी व्यवस्था हो जी। हमारा दोनों गांव ग्राम पंचायत के ODF हैं जी। वैसे तो अंत्योदय में गांव का चयन कर लिया गया है जी। और भी हम ये चाहेंगे हमारे गाँव को अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिलें जी, जिससे हमारा गांव उत्तर प्रदेश में नंबर एक पर दिखाई दे जी। यहाँ पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ग्रामीण सफल में मैं वार्डन के पद पर हूँ। और यहाँ पर जो अपवंचित वर्ग की बालिकाएं होती हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, लड़कियाँ 11 से 14 वर्ष की, उनका एडमिशन होता है और उनके लिए सभी कुछ चीज़ें, किताबों से लेकर यूनिफॉर्म, खाना पीना, रहना, सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर मुफ्त मिलती हैं सरकार की तरफ से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये हमारी योजना चलती है और इसके जो हमारे ज़िले में होते हैं वो हेड हमारे DM हैं, उनके संरक्षण में ही PSSR के द्वारा जो है ये चलाए जाते हैं। ठीक। और इस समय में हमारे जो स्कूल में हैं, जो इसमें छात्राएं पढ़ती हैं, अब हमारा ये कक्षा 8 का जो है एलुमनाई बैठक चल रही है इस समय, जिसमें हमारी पुरानी जो बच्चियां पढ़कर यहाँ से पास आउट हुई हैं वो बच्चियां हमारे यहाँ इस समय आती हैं और 2 दिन के लिए उनका स्कूल में उनकी एक मीटिंग होती है। नए और पुराने बच्चे आपस में मिलते हैं, अपने पुराने और नए अनुभव को साझा करते हैं। हमारे स्कूल में एक स्पेशल जो मैं चीज़ कहूँगी, पहली चीज़ तो क्योंकि ये जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गई हैं लड़कियाँ, खास तौर से उनके लिए चलती है योजना। दूसरा कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए समय समय पर इतनी योजनाएं चलती हैं जो उनको ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण जो बाकी स्कूलों में नहीं मिलते हैं। कस्तूरबा की खासियत होती है कि यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वो बच्चियाँ उस चीज़ के बारे में जागरूक होती हैं। जो हमारी जो प्रधानमंत्री जी की चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, उसमें इसको हमारी कस्तूरबा जो संस्थाएँ हैं विद्यालय में इसको पूरी तरह से इसको करते हैं।